हेलो डियर्स, आई एम उमा रमन पाठक। IIF ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये लेक्चर फिर से कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि कैसे 1 सितंबर 1939 को जर्मन बमबर्शकों ने पोलैंड पर अटैक करके वर्ल्ड वार टू की शुरुआत कर दी और इसी के साथ ब्रिटेन के लिए स्थितियां खराब होने लगी। धीरे धीरे जर्मनी और जापान ब्रिटेन पर हावी होने लगे और अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल चाहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरह भारत की उनकी कॉलोनी, भारत के लोग और भारत की पॉलिटिकल पार्टीज उनकी मदद करें। जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारतीय सेना ने, भारत के लोगों ने और भारत की पॉलिटिकल पार्टीज ने गांधी जी के कहने पर उनकी मदद की थी यूके वालों की, वैसे ही ये लोग चाहते हैं कि द्वितीय वर्ल्ड वार में भी ब्रिटेन की मदद भारत की सेना और भारत की पॉलिटिकल पार्टी करे। इसी क्रम में वो इंडियंस को कुछ ऑफर देते हैं और बदले में मदद चाहते हैं। इस समय उनकी हालत थोड़ी बुरी होती है, ब्रिटेन काफ़ी परेशानी में होता है, विंस्टन चर्चिल और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी दोनों के लिए मुश्किल हालात बनने शुरू होते हैं और इसी क्रम में वो इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज़ को और इंडियंस को एक ऑफर देते हैं इंडिया के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के माध्यम से, जिसको कि अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। इस पर कोई रायशुमारी बन नहीं पाती और कांग्रेस इसके प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देती है। हमने इसके बारे में अपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है, इसको जानने के लिए आप अगस्त ऑफर वाले लेक्चर को जाकर देख सकते हैं। इसके बाद फिर जापान के एक के बाद एक धमाके होते हैं और सिंगापुर की, फिलीपींस की, मनीला की और हांगकांग की कॉलोनी जो है वो ब्रिटेन के हाथ से निकल जाती है। चर्चिल बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो दूसरा प्रस्ताव इंडियंस के आगे भेजते हैं जिसको कि हम लोग स्टैनफोर्ड कमीशन या फिर स्टैनफोर्ड क्रिप्स कमीशन या शॉर्ट फॉर्म में क्रिप्स कमीशन 1942 के नाम से जानते हैं। क्रिप्स भी कोई सही रायशुमारी नहीं कर पाते और क्रिप्स मिशन पर भी कोई राय नहीं बन पाती। गांधी जी इसको कह देते हैं कि ये पोस्ट डेटेड चेक है और इस तरह से क्रिप्स मिशन भी अपने उद्देश्य में फेल रहता है। वो भारतीय नेताओं की सिंपथी या भारतीय नेताओं की सहमति नहीं गेन कर पाता और इस तरह से वर्ल्ड वार आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे अलाइड फोर्सेस एक्सेस फोर्सेस पर अपना दबदबा बना लेती हैं और एक के बाद एक एक्सेस फोर्सेस की विकेट गिरने लगते हैं और वो लोग सरेंडर करने लगते हैं। सबसे अंत में सरेंडर करता है जापान जब 15 अगस्त 1947 के पहले USA जापान के दो दो नगरों पर एटॉमिक अटैक कर देता है, हिरोशिमा और नागासाकी तबाह हो जाते हैं। 15 अगस्त 1945 को जापान के सरेंडर के साथ सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति हो जाती है और इसी के साथ ब्रिटेन में उस समय चुनाव हो रहे होते हैं। ब्रिटेन में चुनाव चल रहे होते हैं और इधर वर्ल्ड वार खत्म होता है। चुनाव के दौरान विंस्टन चर्चिल वार हीरो बनके उभरते हैं क्योंकि ब्रिटेन उन्हीं के नेतृत्व में जो है वो वर्ल्ड वार जीतता है। ये कह सकते हैं कि विंस्टन चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन के हीरो थे, लेकिन चुनाव में उनकी क्या दशा होती है आइए जानते हैं। ब्रिटेन के चुनाव में ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री चुनाव में विंस्टन चर्चिल की पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी अच्छा नहीं करती। वर्ल्ड वार में फंसे होने के कारण और वर्षों से कॉलोनीज पर वार झेलने के कारण ब्रिटेन की इकोनॉमी फाल की तरफ होती है। वर्षों से वार लड़ने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था गिर रही होती है और इस वजह से ब्रिटेन की जनता में कंजर्वेटिव पार्टी और विंस्टन चर्चिल को लेकर एक गुस्सा होता है। इस वजह से जब आम चुनाव होते हैं 1945 के तो विंस्टन चर्चिल की पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव हार जाती है। कहा जाता है कि विंस्टन चर्चिल वर्ल्ड वार दो दो जीतने में कामयाब रहे लेकिन चुनाव जीतने में नाकामयाब हो गए और चर्चिल की पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी पार्लियामेंट्री इलेक्शन लूज कर जाती है और ब्रिटेन में नई पार्टी सरकार में आती है जिसका नाम है लेबर पार्टी। लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। क्लीमेंट एटली भारत सहित उपनिवेशों के प्रति एक पॉजिटिव नजरिया रखते हैं, एक सकारात्मक रुख रखते हैं क्योंकि वो लेबर्स के नेता हैं और वो साइमन कमीशन के दौर में भारत आ चुके थे, इसीलिए भारत के प्रति उनका नजरिया, क्लीमेंट एटली साहब का नजरिया विंस्टन चर्चिल के रिस्पेक्ट में अच्छा होता है और वो कहते हैं कि जल्द ही हम भारत को आज़ाद करने के बारे में सोचते हैं। US के राष्ट्रपति और चाइना के राष्ट्रपति का उन पर दबाव होता है कि ब्रिटेन को अब चाहिए कि वो कॉलोनी के मुंह से अलग हो जाए और अपनी इकोनॉमी बचा ले, नहीं तो वो अपना देश ही नहीं बचा पाएंगे, इसीलिए उन्हें भारत सहित कई कॉलोनीज को आज़ाद कर देना चाहिए। इसी प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए क्लीमेंट एटली भारत की आज़ादी के बारे में सोचने लगते हैं और घोषणा
घोषणा करते हैं कि जल्द ही भारत के नेताओं से बात करने और पॉलिटिकल डेडलॉक, जो भारत की राजनीतिक पार्टियों से बातचीत नहीं हो रही है, पॉलिटिकल डेडलॉक है, उसको तोड़ने के लिए जल्द ही एक कैबिनेट मिशन का प्लान किया जाएगा। सबसे पहले 19 फरवरी 1946 को ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि उनका उच्च सदन है, वहां पर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया लॉर्ड पैथिक लॉरेंस 19 फरवरी 1946 को घोषणा करते हैं कि जल्द ही एक कैबिनेट मिशन भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए भारत भेजा जाएगा और साथ ही साथ ये पॉलिटिकल डेडलॉक को भी ब्रेक करेगा। अब विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल पूछ रही होती है प्रधानमंत्री से, वो पैथिक लॉरेंस के इस बयान से संतुष्ट नहीं होते, वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ये बताएं ब्रिटेन की संसद को कि वो क्या करने वाले हैं, भारत पर उनका नजरिया क्या है। महीनों की चुप्पी के बाद 14 मार्च 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपने निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में बयान देते हैं। पीएम क्लीमेंट एटली कहते हैं कि जल्द ही एक कैबिनेट मिशन पॉलिटिकल डेडलॉक तोड़ने भारत जाएगा। अब इस कैबिनेट मिशन को बनाने का उद्देश्य क्या है और ये कैबिनेट मिशन क्या था जो भारत आने की बात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली कर रहे हैं, आइए इस पर जानते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कैबिनेट मिशन क्या था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 14 मार्च 1946 को ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स को बता दिया था कि जल्द ही इंडिया में पॉलिटिकल डेडलॉक तोड़ने एक मिशन भेजा जाएगा जिसका नाम होगा कैबिनेट मिशन। इस घोषणा के एग्जैक्ट 10वें दिन एक कैबिनेट मिशन फॉर्म कर दिया जाता है। 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रधानमंत्री की घोषणा होती है और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। आइए जानते हैं कैबिनेट मिशन क्या है। सबसे पहले ये लिखिए, इसको एस्टेब्लिश किया जाता है 24 मार्च 1946 को। इसके मेंबर्स कौन कौन हैं? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो कि उस समय भारत सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया होते हैं, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, जो उस समय ट्रेड बोर्ड के मेंबर होते हैं या व्यापार बोर्ड के सदस्य होते हैं, एंड एबी अलेक्जेंडर, जो उस समय के नेवी चीफ होते हैं ब्रिटेन के। इन तीनों लोगों का एक ग्रुप, एक एक मिशन बनाकर भारत भेजा जाता है, क्योंकि इन तीनों लोगों की हस्ती उस समय ब्रिटेन में कैबिनेट मंत्री के स्तर की थी, इसीलिए इसे कैबिनेट मिशन भी कहते हैं। फिर से सदस्यों के नाम याद रख लीजिए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। इन तीनों का एक कमीशन, एक मिशन भारत आता है और वो भारत के नेताओं से बात करता है। इसका उद्देश्य है इंडिया में पॉलिटिकल डेडलॉक तोड़ना, साथ ही साथ भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करना और इसी के साथ भारत को सत्ता ट्रांसफर करने के बारे में बात करना और भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा बनाना। इसी के साथ जब ये भारत आता है तो वह भारत के नेताओं से बात करता है। अब दो ही पक्ष मेन करके हैं भारत में, एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और तीसरा जो धड़ा है वो है राजाओं का, रियासतों का और अलग अलग तरह के राज रजवाड़ों का। अब तीनों जगह पर जाकर कैबिनेट मिशन लोगों से बात करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जानना चाहते थे कि मुस्लिम एरियाज को लेकर पाकिस्तान नाम का एक नया देश बनाया जाए, जबकि कांग्रेस इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। गांधी जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि किसी भी हद के जाने के बावजूद भी हम भारत का बंटवारा करने को तैयार नहीं है। इन्हीं बातचीत के दौरान जो इस कैबिनेट मिशन के हेड थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, उनकी और गांधी जी की एक फोटो ली जाती है। इसी डिस्कशंस के दौरान गांधी जी और पैथिक लॉरेंस जब मिलते हैं तो दुनिया भर के पत्रकारों के द्वारा एक फोटो इनकी क्लिक की जाती है और वो फोटो ये है, देख लीजिए फोटो ध्यान से। यही फोटो आज भारत के सभी नोटों पर आपको दिखती है। ये फोटो कब की है? इसी कैबिनेट मिशन के दौरान जब लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और गांधी जी की बात हो रही थी तभी उनकी फोटो खींची गई थी और यही फोटो भारतीय नोटों पर दिखती है। आइए बात करते हैं कि इस कैबिनेट मिशन से क्या हुआ। जब बातचीत के लिए उन्होंने जिन्ना को और कांग्रेस के नेताओं को एक टेबल पर बुलाया, बात करने के लिए कहा और कहा कि पॉलिटिकल डेडलॉक तोड़कर कोई एक सर्वमान्य सलूशन निकाल लीजिए, फिर उसके बाद फिर हम बताएंगे कि सत्ता का ट्रांसफर वगैरह कैसे करते हैं। पहला हफ्ता बीत जाता है लेकिन ये पॉलिटिकल डेडलॉक मुस्लिम लीग और कांग्रेस का नहीं
टूटता। फिर दूसरा हफ्ता बीतता है और इस तरह से 3 हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन कैबिनेट मिशन के पास कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर कोई एक सर्वमान्य सोल्यूशन नहीं दे पाते। तब कैबिनेट मिशन कहता है कि अब आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा एक प्रपोजल सुनिए, और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के इन तीनों मेंबर्स ने अपना एक प्रपोजल दिया। उन्होंने इंडिया को कुल 3 सेक्शन में बांट दिया, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, बॉम्बे और उड़ीसा नामक राज्य रखे गए। सेक्शन बी में पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान नाम के राज्य रखे गए, और सेक्शन सी में आसाम और बंगाल नाम के स्टेट रखे गए। अब इनको अगर आप इन ग्रुप्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सेक्शन ए में हिंदू मेजॉरिटी के स्टेट हैं, जबकि सेक्शन बी और सी मुस्लिम मेजॉरिटी के स्टेट हैं। ये सभी ग्रुप फॉर्म कर दिए गए और उसके बाद कहा गया कि ये सभी ग्रुप, पहले ये जो प्रोविंसेस हैं पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आसाम, बंगाल, ये अलग अलग अपना संविधान बनाएंगे। उसके बाद ए, बी और सी ये सारे ग्रुप अपना अपना संविधान बनाएंगे, और साथ ही साथ ये ग्रुप सभी मिलकर बाद में एक यूनियन का संविधान बनाएंगे। इस तरह से कहा गया कि सभी ग्रुप जब अपना संविधान बना लेंगे तो वो मिलकर क्या कर देंगे, एक यूनियन का संविधान बनाएंगे, या ये कह सकते हैं कि ये सारे मिलकर 3-tier फेडरेशन फॉर्मेशन का एक सिस्टम था। मतलब कैबिनेट मिशन ने एक 3-tier फेडरेशन का सुझाव दिया, जिसमें कि एक बहुत ही कमजोर यूनियन या कमजोर सेंटर की बात कही गई थी, जिसमें केंद्र के पास केवल फाइनेंस, फॉरेन और कम्युनिकेशन के अलावा कुछ नहीं था, बाकी सारा इन प्रोविंसेस को दे दिया गया था जो ए, बी और सी ग्रुप में बांटे गए थे। इसी के साथ कैबिनेट मिशन ने सेपरेट पाकिस्तान की मांग को रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, और साथ ही साथ मुस्लिम लीग के कम्युनल अवार्ड की बात को भी खारिज कर दिया। अब आइए जानते हैं कि इस पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस का क्या रिएक्शन रहा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ए, बी, सी वाला फॉर्मेशन देखा तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि बी और सी, इसको देखने पर ये लगता है कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी के स्टेट हैं, जबकि ए केवल हिंदू मेजॉरिटी के स्टेट हैं। उन्हें ये देख के लगा कि जो पाकिस्तान हम मांगते थे उससे भी बड़ा पाकिस्तान बनाने की गुंजाइश इसमें है, और इस तरह से शुरुआती स्तर पर उन्होंने कैबिनेट मिशन की बात मान ली। जब यही मिशन का ये पहला फार्मूला गांधी जी और कांग्रेस के पास गया तो उन्होंने इसको देखकर कहा कि ये सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी जो है इसको कंपलसरी तौर पर लागू ना किया जाए, ये ग्रुपिंग कंपलसरी ना हो। जबकि जिन्ना कह रहे थे ये ग्रुपिंग कंपलसरी होनी चाहिए, गांधी जी और कांग्रेस कह रहे थे कि ये ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। इस बात पर काफ़ी बहस हुई और उसके बाद कैबिनेट मिशन ने काफ़ी सोच विचार के कांग्रेस के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि ये ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं होगी। साथ ही कोई भी प्रोविंस अगर वो चाहे तो सेक्शन ए से सेक्शन बी में या सेक्शन बी से सेक्शन सी में जा सकता है। जैसे सेक्शन सी का बंगाल अगर चाहे तो सेक्शन ए के मद्रास के साथ सेक्शन ए ज्वाइन कर ले। इस तरह से ये सेक्शन चेंज करने के लिए वे एक फार्मूला दिया गया जो कि 5 साल बाद किया जा सकता था। इस बात से जिन्ना नाराज हो गए और उन्होंने कैबिनेट मिशन की मांग जो कि पहले एक्सेप्ट की थी उसको डिनाई कर दिया और कैबिनेट मिशन से दूरी बना ली। अब आइए समझते हैं कि मोटा मोटा क्या था, कैबिनेट मिशन ने अपना जो सलाह दिया था उसके पॉइंट क्या थे। 16 मई 1946 को जो रिपोर्ट दी थी उसके मोटे मोटे तथ्य हम एक बार समाप्त कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश प्रोविंसेस या ब्रिटिश राज्यों, देसी रियासतों या फिर प्रोविंशियल स्टेट्स और चीफ कमिश्नरीज को मिलाकर इंडिया को एक यूनाइटेड या इंडिया को एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे। वह एन ऑल इंडिया फेडरेशन विल बी फॉर्म बाई सबमर्जिंग द ब्रिटिश प्रोविंसेस, चीफ कमिश्नरीज एंड प्रिंसली स्टेट्स। तीनों को मिलाया जाएगा, ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासतों और चीफ कमिश्नरीज को मिलाकर एक अखिल भारतीय फेडरेशन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा देयर विल बी ए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूनियन, पूरे संघ के लिए क्या होगा, एक संविधान होगा, और देयर विल बी ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, भारत की एक संविधान सभा होगी जिसके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, और पर 10 लाख की आबादी पर एक मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा जाएगा। उन्होंने मुस्लिम लीग की सेपरेट पाकिस्तान की मांग को और साथ ही साथ कम्युनल अवार्ड की मांग को रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि ये नहीं होगा। कहा जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता है उस तब तक के लिए भारत में एक टेम्प्रोरी या अंतरिम सरकार बनेगी। और मुस्लिम लीग और इनको जो है कहा गया कि आप लोग अंतरिम सरकार में शामिल हो जाएंगे। जो चुनाव होने जा रहा है ये स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के लिए,
उसी चुनाव के आधार पर अंतरिम गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म करी जाएगी। ये सारे रिकमेंडेशन से इस कैबिनेट मिशन के और इसी कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन के अनुसार संविधान सभा के लिए इलेक्शंस हुए जून जुलाई 1946 में और संविधान सभा के लिए 389 मेंबर अवार्ड किए गए अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 1941। 389 मेंबर एलोकेट किए गए भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसमें से 292 मेंबर ब्रिटिश प्रोविंसेस से आने थे, 4 मेंबर चीफ कमिश्नरी से आने थे और 93 मेंबर्स वो रियासतों से या प्रिंसली स्टेट से आने थे। अब इसके आगे आप संविधान वाला वीडियो देख लेंगे जहां पर संविधान सभा है कि कहां से कौन सी पार्टी ने कितनी सीट जीती, तो आपको वहां से मिल जाएगा। यहां पर कैबिनेट मिशन का ज़्यादातर पार्ट हमने कवर कर लिया है। एक मोस्टली आने वाला सवाल ये है कि ये 3 सदस्य जो कैबिनेट मिशन के थे, ये स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर एंड पैंथिक लॉरेंस, इनको छोड़कर वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जो इसमें हर बार शामिल रहा, तो उसका आंसर होगा तब के वायसराय लॉर्ड वेवल। आप लॉर्ड वेवल का नाम याद रखिएगा, वो ऑर्गेनाइजर होते थे तो हर बार इस कैबिनेट मिशन की मीटिंग में शामिल हुआ करते थे। और साथ ही साथ आपको पता चल गया होगा कि गांधी जी की जो फोटो भारत के नोटों पर दिखती है वो कब क्लिक की गई थी। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।